हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ ट्राई करने वाली हूँ अपने फाउंडेशन को आप लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं, केक की और पैची होने से अपने फाउंडेशन को कैसे बचाएं ताकि आपका इस तरीके से लगाए कि फाउंडेशन ख़राब ना हो। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना, CTM रूटीन फॉलो करना, या आप फेस वॉश भी कर सकते हैं। उसके बाद में अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, लेकिन बट मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी होता है आपकी स्किन के लिए। तो अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कीजिए और उसके बाद में आपको अप्लाई करना है प्राइमर। प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है फाउंडेशन से पहले अप्लाई फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले प्राइमर का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। प्राइमर एक रेल की पटरी की तरह होता है जो आपकी जिस पर आपकी ट्रेन फाउंडेशन नुमा ट्रेन चलती है। अगर आप प्राइमर यूज़ नहीं करेंगे तो आपका बैलेंस फाउंडेशन का बैलेंस बिगड़ सकता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम इस तरीके से लग सकता है। तो आपको प्राइमर अप्लाई करना है ताकि आपकी जो फाउंडेशन है वो एक ट्रेन की तरह चल सके और बिल्कुल अच्छे से फेस पे लग सके। इससे आपका फाउंडेशन बहुत ही आराम से अप्लाई कर पाएंगे, आपको ब्लेंड कर पाएंगे। तो आपको प्राइमर का यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपका जो फाउंडेशन है एक इवन तरीके से लगेगा और साथ ही साथ अच्छे से ब्लेंड भी, ब्लेंडिंग करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। यहाँ पे मैं लैकमे की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, ऑल टाइम फेवरेट है ये मेरी और बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन है। अगर आप लिक्विड फाउंडेशन ले रहे हैं तो अपने अपने हाथ के पीछे की तरफ आप इसे पहले ले लीजिए, उसके बाद में टैप टैप करके अपने फेस पे अप्लाई करना है। और अपने हाथ पे हम फाउंडेशन को लेंगे, उसके बाद में हमें अपने टैप 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 करके अपने फिंगर डॉट से लगा लेना है। उसके बाद में एक ब्रश की हेल्प से आपको अपने फाउंडेशन को फैलाना है। तो यहाँ पे मैं ब्रश की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और फिर उसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूँगी। अगर आप लिक्विड फाउंडेशन लगा रहे हैं ना तो आपने जो फाउंडेशन है उसे एक ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे पहले अच्छे से फैलाइए और उसके बाद में एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कीजिए। ध्यान रखिए कि ब्लेंडर गीला होना चाहिए, उसे हल्का सा गीला कीजिए और बिल्कुल उसका पानी निकाल दीजिए, निचोड़ लीजिए। उसके बाद में अपने जो फाउंडेशन है उसे ब्लेंड करना है। तो इस तरीके से आपको अपने फाउंडेशन को अच्छे से फैला लेना है। प्राइमर लगाने के बाद में जो फाउंडेशन है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है और फाउंडेशन जो होता है मेकअप का एक बेस होता है, और अगर ये बेस ही बिगड़ जाता है ना तो हमारा पूरा मेकअप बहुत ख़राब हो जाता है, कीकी हो जाता है, पीची हो जाता है। तो इसके लिए हमें जितना हो सके ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना है और अच्छे से टैप टैप करके ब्लेंड करना है। और ये ध्यान रखिए कि आपका जो ब्लेंडर है, ब्यूटी ब्लेंडर है, वो गीला होना चाहिए, हल्का सा मतलब कि पानी में निकाला हुआ होना चाहिए, अच्छे से निचोड़ लिया तो ब्लेंड करना है ब्यूटी ब्लेंडर से। उसके बाद में आप अगर आप अपने आपके कोई निशान वगैरह हैं पिंपल्स वगैरह के तो उन्हें हाइड कीजिए कंसीलर के थ्रू, और फिर आपको कोई टैल्कम पाउडर या आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है, फेस पाउडर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और बस बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप अपने फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं और आपका फाउंडेशन ख़राब भी नहीं रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग बनेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो का अगर एंड तक देखा है तो थैंक यू सो मच।